अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ आज, काफ़ी कांटेदार, इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, जो भी कुछ कहें, बहुत उम्दा मैच। तो प्रोग्राम गेम ऑन भी शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले बहुत ही उम्दा मैच एंड तक, आखिरी बॉल तक। और जहां तक बात है विराट कोहली, अगर बस उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही बहुत ही उम्दा परफॉर्म करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, आप वीडियो देखिए। लांस क्लूजनर का भी यही कहना कि जो पाकिस्तान ने चेंजिंग की थी, एक तो स्कोर पूरा नहीं बनाया, लेकिन जिस पोजीशन में पाकिस्तान था शुरू के चार ओवर्स में, तो आप ये भी नहीं सोच सकते थे कि 120 भी बनेगा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल ऐसी बन चुकी थी पाकिस्तान के लिए कि 120-110 बहुत बड़ा स्कोर नज़र आ रहा था उस टाइम। क्योंकि शुरू के चार या पांच ओवर जो इंडियन बॉलर्स ने मीडियम पेसर थे हालांकि, लेकिन उन्होंने जो बॉलिंग की है तो आउटस्टैंडिंग। अगर बाबर और रिजवान भी होते तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 15 रन का फ़र्क पड़ता, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत मैं समझता हूँ स्कोर एक अच्छा कर लिया था पाकिस्तान ने। और उसके ऊपर जो है विकटें भी गिरती हुई नज़र आई आपको, हालांकि वो मूवमेंट नहीं थी जो इंडियन बॉलर्स को मिली थी, वो मूवमेंट एंड में नज़र नहीं आ रही थी। अगर एंड की बात करें तो विराट कोहली से भी कैलकुलेशन मिस हो गई थी, क्योंकि सिर्फ आई थिंक स्पिनर का एक ओवर के इंतज़ार में उन्होंने काफ़ी जो है अपनी एवरेज बढ़ा ली थी, तो ये मुश्किल हो सकती थी। लेकिन जो हरसरफ को आई थिंक दो छक्के मारे थे एंड के दो बॉलों पे, वहाँ पे सारा ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इंडिया की तरफ, वरना पूरी तरह से मैच पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था। तो आज के वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, उसका भी वेट करें, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। Thank you.